अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर लुत्फुर रहीम ताहिर एक सीरीज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे मौजूदा हालात COVID-19 की वजह से लॉकडाउन है या क्लासेस बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, तो इस सीरीज़ में होम्योपैथिक की बेसिक्स कॉलेज में जिस तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर जो है वो जो जो उनके सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज और बेसिक्स जो है वो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। इसमें ख़ास बात जो कोशिश मैंने एक चेंज करने की है वो ये कि इसमें पहले मैं लेक्चर दूंगा किसी भी अहम टॉपिक के ऊपर और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल जिस तरह से फार्मेसी के प्रैक्टिकल्स हैं और एनाटॉमी है उसके अंदर डेमोंस्ट्रेशन वगैरह जो जो चीज़ें होंगी वो आपको इंशाल्लाह परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। और सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे मेरे जो क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके क्वेश्चन करने से आम नाजिर जो देख रहा होगा उसको क्लास का माहौल फील होगा और हो सकता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हो सकता है उसके जहन में भी वही सवाल गर्दिश कर रहे हों, और जो सिंपल लेक्चर अगर हम YouTube पे डाल देते हैं उसके अंदर उन सवालों के जवाब तो नहीं मिल सकते। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल क्लास का माहौल आप लोगों को जो है वो मिले, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है वो लेक्चर जो है वो सीरीज़ जो होगी वन से लेके अब देखें कहाँ तक क्या सूरत हाल होती है, तो आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। ये तो हम जानते हैं कि सेहतमंद इंसान को हर चीज़ अच्छी भी लग रही होती है, खाना भी उसको पसंद आ रहा होता है, किसी से बात करना भी। अगर हम बीमार होते हैं तो हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते और हर एक को जाहिर सी बात है चिड़चिड़ाहट फील हो रही होती है। तो जब इंसान दुनिया में आया यानी कि आगाज़ इंसानियत से ही उसका सेहत और बीमारी का वास्ता था, चोली दामन का साथ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे जैसे इर्तका के मराहल तय करता गया, कोई कोई ख़ास इंसान जो हकीम की तरह जो है वो कुछ जड़ी बूटियों से कुछ और चीज़ों से इलाज करते थे, पहले उनको पता चला कि ये चीज़ें खाने से नुकसान होता है वो चीज़ें उन्होंने बंद की, फिर पता चला कि इन इन चीज़ों के खाने से कोई फ़ायदा हो सकता है वो चीज़ें इस्तेमाल की। आहिस्ता आहिस्ता तिब इर्तका के मनाजिल तय करते करते बहुत तरक्की कर गया। तिब यूनानी जिसे हम हिकमत के नाम से जानते हैं, इसके मेन तो यही बाबाए तिब अगर कहा जाए या मेडिकल साइंस की अगर जो है वो सबको माखिस जो है वो तो तिब यूनानी ही है। अब तिब यूनानी से मुख्तलिफ किस्म के उलूम निकले, जैसे मुख्तलिफ किस्म के इनके बेसिक्स हैं जैसे इलाज बिल दवा है, इलाज बिल गज़ा है यानी कि गज़ा के ज़रिए इलाज, इसी तरीके से इलाज बिल मिसल भी इसी की एक शाख है। हनीमन ने इसके ऊपर इसकी फिर जाहिर सी बात है डेट्स वगैरह आप लोग जो है वो अपनी बुक्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं। हनीमन ने जो है वो तकरीबन 150 साल पहले इसके ऊपर जो है वो सर्च शुरू की, वो खुद MBBS डॉक्टर था और बुक्स के तराजिम वगैरह करता था, बहुत मतलब इंटेलिजेंट किस्म का आदमी था। तो उसके जहन में कई सारे ख्याल आता है कि हम दवा जो दे रहे हैं उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को उसने कवर करने के लिए होम्योपैथी की बुनियाद डाली। कैसे डली जाहिर सी बात है ये एक अपनी लंबी बहस रखती है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आप लोगों को होम्योपैथिक की इब्तदाइया के बारे में जो है वो कुछ बताना चाहूँगा। नंबर एक, हम इसके अंदर इलाज बिल मिसल, इलाज बिल मिसल का मतलब ये है कि जैसे को जैसे से ख़त्म करना। क्या मतलब हुआ इसका, आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर कि होता क्या है कि हम नॉर्मल टिप में अगर किसी इंसान को मोशन हो रहे हैं तो हम उसको ऐसी दवा देते हैं जिससे उसको कब्ज हो जाती है, जिसके नतीजे में मोशन और कब्ज की दवा मिलके इंसान को नॉर्मल कर देती है। लेकिन वही दवा अगर हम किसी नॉर्मल इंसान को दें या गलती से भी खा लें तो उस नॉर्मल इंसान को कब्ज हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी हाल है, अगर हम ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक दवा किसी पेशेंट को देते हैं जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर कभी चेक कराए बगैर कोई नॉर्मल इंसान वो ब्लड प्रेशर की दवा खा लेगा तो उसका डाउन हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ये डिसएडवांटेजेस हैं एलोपैथिक या हिकमत की दवाओं के। होम्योपैथिक में क्या होता है, होम्योपैथिक दवाओं में हम नंबर एक तो ये करते हैं कि जो मर्ज़ बीमारी पैदा करता है, जो दवा बीमारी पैदा करती है उसी दवा को हम मुख्तलिफ होम्योपैथिक के तरीके से पोटेंटाइज करके, वो तरीका क्या है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो डिफाइन करेंगे, उस तरीके से हम दवा को बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। जैसे एपिकाक एलोपैथिक में भी इस्तेमाल होती है उल्टी लाने के लिए, होम्योपैथिक में जब हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं, पोटेंटाइज क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, जब हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं तो वो उल्टी रोकने वाली दवा बन जाती है और बहुत शानदार उसका रिजल्ट है। यहाँ पे होम्योपैथिक की जो एक बहुत ज़्यादा इनफरादियत है
वो इसका पोटेंटाइजेशन या इसकी दवाओं का तरीका है। नॉर्मली हमने देखा है कि अगर किसी पेशेंट को फ़र्ज करें हम चीनी की बात कर लेते हैं या नमक की बात कर लेते हैं, उसको हमने चीनी देनी है किसी दवा के तौर पे, हम उसको कहेंगे आप आधी चम्मच चीनी इस्तेमाल कर लें, चौथाई चम्मच कर लें, दो चम्मच कर लें, दस चम्मच कर लें, ये उसकी डोज हम काउंट करते हैं, ऐसे नमक का भी हम कह सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। हम होम्योपैथिक में क्या करते हैं, हम नमक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। नमक हमारा नमक के जो केमिकल नेम है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, और इसको होम्योपैथिक के अंदर जो इसके इससे दवा बनती है जो हमारा कॉमन साल्ट जो टेबल साल्ट होता है उससे, उसका नाम होता है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर हम लोग या नमक जो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है कि एक आम बंदा भी आधी चम्मच नमक तो सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ खानों में रोटी में मिला के वो खाया हुआ होता है उसने मजमूई तौर पर, लेकिन वो नमक कोई ख़ास असरात नहीं कर रहा होता। होम्योपैथिक में क्या होता है कि अगर हम 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक लेंगे तो 9 ग्राम हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, ये एक लाइट नमकीन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये हमारी 1x कहलाएगी। इसके बाद इसमें से हमने 1 ड्रॉप या 1 ग्राम लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने 9 ग्राम वाटर शामिल कर देना है, ये बन जाएगी हमारी 2x। सेम 2x में से हमने 1 कतरा लेना है या 1 ग्राम लेना है, जो क्वान्टिटी हमने 1 लेनी है उसी का यानी कि 1 और 9 का रेशो से हम उसको बढ़ाते जाएंगे, 1 by 1 करते जाएंगे, तो ये 3x, 4x, 5x हम होम्योपैथिक में आमतौर पर जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो 30 में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी मीडियम पोटेंसी काउंट होती है वो 30 होती है। अब आप तस्वीर करेंगे 2x, 3x में ही नमक का कोई टेस्ट नहीं होगा। इसका मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों को इंक के जरिए करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो उसके अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम 2-3x पे ही दवा की जो मादी शक्ल है वो खो बैठते हैं, और 6x के बाद उसकी जो केमिकल अगर हम उसको किसी चीज़ में एग्जामिन करना चाहें तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये तो होम्योपैथिक दवा की मुनफरद इनफरादियत हो गई कि होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक दवा से कैसे मुख्तलिफ है। इसके बाद होम्योपैथिक दवा होम्योपैथिक तरीका इलाज में जो मेन कॉन्सेप्ट है बीमारी का वो है, हम ये मानते हैं मुख्तलिफ जिस तरह से एलोपैथिक में हम जाते हैं वो बताते हैं आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों के नाम वो बता रहे होते हैं। होम्योपैथिक में हम ये मानते हैं कि हम बीमार नहीं होते बल्कि हमारी कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स जो हमारे जिस्म को मेंटेन रखने का अल्लाह ताला की तरफ से जो है कुदरती ज़रिया है तो वो मغلوب हो जाती है, वो अंडर हो जाती है बीमारी के, और उसके नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं। इसके मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम कई दफ़ा कह रहे होते हैं कि नज़ला क्यों हुआ, भाई ठंडा पानी पी लिया था। नज़ला क्यों हुआ, उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। नज़ला क्यों हुआ, उसने घी वाले चावल खा लिए थे और ऊपर से ठंडा पानी पी लिया था। इन चीज़ों से नज़ला नहीं होता। होता क्या है, हम मुस्तकिल एक ही माहौल एक ही बीमारी में चल रहे होते हैं। जैसे हमने पहले ठंडा पानी पी लिया, हमने कोई खट्टी चीज़ खा ली, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने जो है यानी अभी तक हम ठीक नहीं हुए होते तो फिर हमने कुछ यानी कि 3-4-5 जब चीज़ें इकट्ठी हो चुकी होती हैं तो फिर हमारी वाइल्ड फोर्स जो है मغلوب हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बीमारी के असरात होते हैं। अगर हम एक दफ़ा ठंडा पानी पी लें या एक दफ़ा घी वाली चीज़ खा लें या कोई भी चीज़ जो हमें बीमार कर रही होती है खट्टी चीज़ खा लें तो हमारी वाइटल फोर्स जो है वो उसको अज़ खुद कवर कर लेती है। लेकिन जब हम मुस्तकिल वाइटल फोर्स के ऊपर जो है वो फोर्स करते रहेंगे बिल आखिर वो मغلوب हो जाती है, मغلوب होने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। अजीब सी बात लगेगी इसलिए कि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, जो नए यूज़र हैं जो होम्योपैथिक को नहीं जानते उनके लिए वाइटल फोर्स या कुव्वत, उर्दू में हम कुव्वत हयात कहते हैं, इंग्लिश में हम वाइटल फोर्स कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत और ये मैं समझता हूँ होम्योपैथिक की सबसे बड़ी बेसिक है। जिसको फिलॉसफी के अंदर वाइटल फोर्स समझ आ गई वो बीमारी भी समझ जाएगा, बीमारी में कुव्वत हयात या वाइटल फोर्स का किरदार भी समझ जाएगा, वो सब कुछ समझ जाएगा। होम्योपैथिक का बहुत ज़्यादा अहम चीज़ कुव्वत हयात है। मीन्स अगर हमने कुव्वत हयात को अपने नॉर्मल रख लिया, जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि किसी भी इदारे का सरबराह अगर अच्छा आ जाए तो उस इदारे के अंदर सफाई भी मिलेगी, उस इदारे के अंदर जो है वो सारे काम हुए हुए भी मिलेंगे, उस इदारे के लोग भी पंक्चुअल होंगे, उस इदारे का जो यूनिफॉर्म या जो कपड़े हैं पहनने का मैार वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर मालिक या उस इदारे का इंचार्ज अच्छा नहीं होगा तो हर चीज़ ख़राब होगी, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होगी बल्कि हर चीज़ जो है वो बेकार हो रही होगी, सफाई भी नहीं होगी, वक्त पे लोग नहीं आ रहे होंगे, हर चीज़ ख़राब। सो हिसाब वाइटल फोर्स का, इसके बारे में हम पूरा एक लेक्चर इंशाल्लाह वाइटल फोर्स का बाकायदा बोर्ड के ऊपर आप लोगों को समझा के बीमारी में उसका किरदार वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको दूंगा। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर सबसे जो मतलब बेसिक्स के अंदर आती है वो दवा की प्रूविंग है। प्रूविंग हम सब लोग जानते हैं कि प्रूविंग का मतलब ये है कि कोई दवा जैसे नेट्रम्योर का मैंने नाम लिया, खाने का नमक, इसकी प्रूविंग हम करेंगे। एलोपैथिक में भी प्रूविंग होती है, होम्योपैथिक में जो प्रूविंग होती है उसमें सबसे जो खासियत है वो ये है कि हम इसकी प्रूविंग करते हैं, इस दवा की आजमाइश करते हैं सेहतमंद इंसानों पर।
सेहतमंद इंसानों पर हम उसकी आजमाइश करते हैं और हम मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बना लेते हैं, 3, 4, 5, 8 काफ़ी सारे ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुपों की भी प्रूविंग का भी पूरा का पूरा अलग इंशाल्लाह चैप्टर होगा। वो प्रूविंग जो हम कर रहे होते हैं, वो जो हम दवा इस्तेमाल करवाते हैं, हर किस्म की एज होगी उसके अंदर, यानी कि बच्चे भी होंगे, दरमियानी एज के भी होंगे, जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, ख़वातीन होंगी, हर जिन्स से और हर उम्र से हर मिजाज के लोग होंगे उसके अंदर। वो दवा इस्तेमाल करेंगे, उस दवा के असरात बताएंगे। एक ग्रुप इसके अंदर हम लोग रखते हैं अलग से, वो कहलाता है प्लेसिबो ग्रुप। प्लेसिबो ग्रुप के अंदर हम मरीज को बिल्कुल जो हमारे प्रूवर्स होते हैं, जिनके ऊपर हम प्रूविंग कर रहे होते हैं, उनको हम देते तो सेम दवाएं जो हम बाकी सबको दे रहे होते हैं, लेकिन उस दवा के अंदर दवा नहीं होती बल्कि वो सिंपल प्लेसिबो होता है, खाली दवा होती है, जिसको देने का मकसद ये होता है। फ़र्ज़ करें कि हमने 100 लोगों के ऊपर प्रूविंग कर रहे हैं और मौसम चल रहा है गर्मी का, उन 100 लोगों ने हमें आके इत्तला दी कि मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, वो तो मौसम का असर हो गया, उसको हम इस दवा में नहीं लिखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इनको ये मौसम के असर से पेट ख़राब हो रहा है या गला ख़राब हो रहा है या कुछ, वो हमें पता चलेगा प्लेसिबो ग्रुप से। अगर तो प्लेसिबो ग्रुप वाले भी वही कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दवा के असरात नहीं बल्कि ये मौसम के असरात हैं। लेकिन अगर प्लेसिबो ग्रुप वाले वो कंप्लेन नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ वो दवा वाले कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दवा के खालिस असरात हैं। हमें प्लेसिबो ग्रुप की वजह से दवा के खालिस असरात अखज़ करने में, इकट्ठे करने में मदद मिलती है, इसलिए प्लेसिबो ग्रुप बहुत ज़्यादा अहम होता है। ये अब मैंने आप लोगों को 4 इस टाइम बातें बताई। नंबर एक तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, जाहिर सी बात है। उसके अलावा मैंने बताया कि होम्योपैथिक को हम इलाज बिल मिसल कहते हैं, जिसके अंदर हम सेम दवा से जो मर्ज़ पैदा करती है उसी दवा का जब हम पोटेंटाइज करके 30 में 200 में 1000 में 10000 में या CM 1 लाख वगैरह में हम देते हैं, उसके ज़रिए हम उस मर्ज़ को ठीक कर देते हैं। सेकंड नंबर मैंने बताया आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज जो मुनफरिद क्यों है, इसलिए कि इसके अंदर हम दवाएं खाम हालत में नहीं देते। हमारी सारी दवाएं जो है वो आपको एक जैसी कलर की बोतलों में मिलेंगी, उनका टेस्ट सेम होगा, इसलिए कि वो पोटेंटाइज हो चुकी होती है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कुव्वत हयात वाइटल फोर्स के बारे में, बहुत इख्तसार में बताया, तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको अलग अलग इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैंने प्रूविंग के बारे में आपको बिल्कुल इंट्रो दिया कि प्रूविंग हम होम्योपैथिक के अंदर जानवरों पर नहीं करते बल्कि सेहतमंद इंसानों पर करते हैं। अब आप लोगों से जो आप लोग सुन रहे थे सारे, या अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर कोई सवाल आप लोगों को ऐसा है जो आप लोग पूछना चाहें, तो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आपको उसका आंसर दूँ। सर मैंने सुना है कि एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो होम्योपैथिक की दवाएं होती हैं वो एक एलोपैथिक दवा के नस्बत देर से असर करती है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, ये तकरीबन किसी भी आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं होम्योपैथिक तो आप इलाज करवाएंगे तो बड़ा देर से असर करती है। देर से नहीं, हमारी दवाएँ होती हैं देर पा का मतलब होता है फॉर एवर। जब हमारी दवा, कोई भी हम दवा देते हैं और अगर अच्छा डॉक्टर दे रहा है, ये नहीं कि हम कोई भी दवा उठा के दे दें तो हम उसको कहेंगे कि होम्योपैथिक दवा जो है बड़ा अच्छा असर करेगी, नो। अगर डॉक्टर ने, होम्योपैथिक डॉक्टर ने उसको कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद वो दवा दी है तो वो बहुत जूद असर होगी और वो विद इन आवर्स असर करेगी।